देखिए मास्टर रेसिपीज में स्वागत तो करता हूँ, पर स्वागत हमारा किया है बारिश ने, और बारिश के दिन है, और बारिश के दिन आने के बाद क्या याद आता है, सबसे पहले भुट्टे की गाड़ियाँ निकलती है बाज़ार में। आप देखो किस प्रकार से लोग भुट्टे का आनंद जो है बारिश में भीगते भीगते लेते हैं। तो ये जो भुट्टे हैं, तो भुट्टे की अलग अलग तरीके के व्यंजन बनते हैं भुट्टे के, तो उसमें एक भुट्टे का पराठा बनता है, भुट्टे की भुर्जी बनती है, भुट्टे का चूड़ा बनता है, भुट्टे के पकौड़े बनते हैं, भुट्टे भूंज के खाते हैं, ऐसे अलग अलग कबाब बनते हैं, बहुत बढ़िया। तो आज का जो है तो भुट्टे के एक बढ़िया टाइप के पकौड़े मैं आपको खिलाता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये स्वीट कॉर्न के दाने हैं, हम इसे पीस लेंगे दरदरा। तो वैसे कायदे से देखा जाए तो दाने जो है सील बट्टे पे पीसना चाहिए, पर सील बट्टा है नहीं, मिक्सी है, तो पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के हल्के में इस प्रकार से इसे पीसना है। देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया अदरक, और अदरक के बाद ये खड़ी धनिया 2 से 3 चम्मच, बारीक कटा हुआ लहसुन 2 से 3 चम्मच, हरी मिर्च स्वादानुसार 1 चम्मच, जीरा, और इसे ऐसे दरदरा हम इसमें पीस लेंगे इस प्रकार। ये सारा मामला इसमें डाल देंगे, डालने के बाद इसमें थोड़ा सा मैंने हरी धनिया, उसके बाद में नमक डालकर इसे मिक्स करना है इस प्रकार। अब इसमें मैं ये थोड़ा कॉर्नस्टार्च डाल रहा हूँ। कॉर्नस्टार्च डालने से क्या होगा, उसमें एक स्टिकीनेस आएगा, लचीलापन आएगा, ताकि हमारे पकोड़े जो है वो अच्छे से हम बना सकें। अब इसे मैंने हाफ फ्राई करके रखा है, ये पूरे फ्राई है नहीं। होता यूँ कि जब हम हाफ फ्राई करने के बाद जब फिर से डबल फ्राई करते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी होता है। देखिए इस प्रकार मैंने जो है हाफ फ्राई वाले पकोड़े फिर से तेल में डाल के इसे अब आराम से धीमी आंच में गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे। ये पकोड़े और इसके ऊपर चाट मसाला, 2 टाइप की चटनी, एक हरी चटनी है और एक टोमेटो का सॉस, और ये हमारी कलाकारी इस प्रकार से, क्या बात है। तो ये बरसात में पकोड़े का आनंद लीजिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करेंगे ना, पक्का करना। थैंक यू।